मुख्यमंत्री द्वारा साढ़े साबका मुख्यमंत्री की आवाज न दबाने वास्ते रची गई एक साजिश रची गई है मुख्यमंत्री द्वारा। और मैं समझना कि चंगा होया कुदरत ये अपने आप एक सिस्टम बनाती है। कह रहे सी चन्नी साहब चले गए, चन्नी साहब भज गया, चन्नी साहब लुकिया फिरदा है, और शायद चन्नी साहब पंजाब के लोगों नूं इस गल का भुलेखा रहना सी, क्योंकि जिस प्रकार का कूड़ प्रचार तुहाडे ते रोजाना सरकार तुहाडे बारे कर रही सी, और कुछ साथी ना सारे सारे नहीं, सारे बहुत चंगे ने, एक दो मीडिया के साथी जिन्होंने तुहाडियां गड्डियां का वेरवा, तुहाडे जायदादां का वेरवा जिहड़ा खामखा एक तरफा दे रहे सन, अज का दिन सच्चे पातशाह ने को इंसीडेंस बनाया है कि अज खालसे दे पवित्र दिहाड़े ते ते बाबा साहब अंबेडकर वाले दिन अज पंजाब दे लोगां नूं चरणजीत सिंह चन्नी दी जिहड़ी छवि इन्होंने खराब करने की कोशिश की थी, अज सच्चे पातशाह ने वो सारी जिहड़ी है वो दूर कर 12 तरीक दे सम्मन ते 12 तरीक तो बाद 20 तरीक ते 20 तरीक तो बाद अचनचेत चरणजीत सिंह चन्नी दे जलंधर जान दियां मिर्चां लग गईआं, तुहानूं तुहाडा ढिड सड़ गया जो चरणजीत सिंह चन्नी ने बयान किया, क्योंकि जलंधर के लोगों और दलित लोगों खास करके ये असलियत पता लग गई कि जो तुसी डेरे वर्गियां संस्थावां चो चन्नी साहब के 25-25 करोड़ रुपया हजे तक रिलीज नहीं होया, चन्नी साहब अज भुल गए जो 25 करोड़ रुपया चन्नी साहब दे के गए सी, जिहड़ा वड्डा सारा एक चैक बना के डेरे नूं केजरीवाल साहब ते भगवंत मान दे के आए सी, वो हजे तक पैसा उन्होंने अकाउंट च नहीं गया अज तक, वो मिर्चा जो खरिया खरिया, हालांकि चन्नी साहब 8 महीनों के कदे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं उन्होंने की, अज उन्होंने भरे मन दे नाल जो उन्होंने घटनाक्रम वापरिया अज पंजाब के लोगों को जाणू करवाया, ये वो सारिया मिर्चा लगियां। अज तां छुट्टी वाले दिन देखो दोस्तों, अज असी सारे लीडर साहबाना ने बाबा साहब अंबेडकर दे जिन्होंने संविधान के निर्माता उत्थे बैठ के अज उन्होंने याद करना सी, अज सारे प्रताप सिंह बाजवा जी, मैं साडे मैडम करमजीत कौर, हरीश चौधरी जी, तमाम लीडर साहबान अज वो दिहाड़े नूं असी समर्पित सां कि अज सारा दिन उत्थे बैठना, अज जलंधरों 5:30 बजे ते चले, अज असी खालसे दे स्थापना दे वास्ते नतमस्तक होण जाना सी, चन्नी साहब दे घरे अखंड पाठ साहब दे पाठ खुले है, इन्हां ने उत्थे बहना सी, अज उह सारा दिन खराब करके छुट्टी वाले दिन बुलाया। ठीक है चन्नी साहब ने, मैं भी पूछना चाहना कि एक दलित व्यक्ति का जिहड़ा टेंट चलाया लाया करता सी, ठीक है समय नाल हर व्यक्ति के जीवन के तब्दीलियां आउंदियां रहिंदियां, वह चन्नी साहब दे भी आईआं, वह राजे वड़िंग दे भी आईआं, वह प्रताप सिंह बाजवा दे भी आईआं, किवें उन्होंने आपका जीवन शुरू किया सी, अज उह जीवन शैली के बारे विस्तार पूर्वक तुहानूं दस्सदा कि पंजाब के अंदर कोई होर करप्ट आदमी नहीं है, लोगों को 1200 एकड़ जमीन है, लोगों को अपने जहाज बना ले, लोगों ने जिन्हों को ट्रैक्टर से जहाज बना ले, कई ने वे फार्म हाउस बना ले, जेडे 10-10 साल पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, 25-25 साल पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, पंजाब के थोड़े चैनल राही पूछ लिया जाए कि सब तो पंजाब के करप्ट आदमी कौन ने, तो पंजाब की जनता दसेगी सब तो करप्ट आदमी कौन ने, चन्नी थोनू करप्ट लगता है, वो इस करके कि गरीब का पुत सीगा, इस करके भगवंत मान जी थोड़ा ढिड दुख रहा, क्योंकि यह व्यक्ति चुकया नहीं है, ये व्यक्ति ने मेहनत नहीं की, ये ठीक है आपका बस्ता चुक के आपका आसे पासे आराम तुरे फिरते हैं, भी यार किनू दसीए, कोई गल नहीं समा आएगा,
समा आएगा तो उदो सारी असलियत पंजाब के लोगों मैं जाके दसांगा। अज समा आ गया, कुदरत ने अज जो भेड़ पढ़ाता, अज समा लिया था कि खालसे वाले दिन, बाबा साहब अंबेडकर वाले दिन। लै चन्नी साहब गल सुन लो, तुहानू फिर पंजाब के लोगों ने आपदियां अखां ते बिठा लेना है। अज की जिहड़ी गाथा है, ठीक क्या शायद कांग्रेस के बंदे भी समझते सी कि पता नहीं चन्नी कोले की माव है, क्योंकि छवि इस तरह टेलीविजन पर प्रोजेक्ट कर दी जाती है विरोधियों द्वारा, विरोधियों द्वारा। कुछ पहाड़े दे कुछ व्यक्ति, पेड़ कुछ व्यक्ति, हर व्यक्ति की छवि ढा लाने की कोशिश की करते। लेकिन अज जो तुसी असलियत बयान करती है पंजाब के लोगों की, तुसी एरा आने वाले समय च नतीजा देखियो की होएगा। इन्हों के मन च डर है भी जे चन्नी जलंधर घूम गया, जे चन्नी जलंधर घूम गया तो एक तरफा चुनाव हो जाएगा, ये इन्होंने मन च डर है। अज भी मैं समझना कि चन्नी साहब की लोकप्रियता अज भी जेडे पुराने रहे मुख्यमंत्रियों नालों वध है, तो अज के मौजूदा नालों भी वध है। जरा चेक करके वेख। सो इन्नी ढिड च पीड़ नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब ने संविधान के हर व्यक्ति को अधिकार दिता है, मुख्यमंत्री साहब हर व्यक्ति, ये नहीं गा तुसी उल्टा सानू गल ना लाओ जो असी थोड़े खिलाफ बोलते हैं। कदे विधानसभा तुसी साड़ी आवाज़ दबाने हो, कदे तुसी विजिलेंस द्वारा साड़ी आवाज़ दबाने का काम करते हो। हर व्यक्ति को हक है, तुसी उल्टा गल ना लाओ, थानू लोग ज़्यादा चंगा समझेंगे। इस तरह दुनिया जीती नहीं जानी। और जदों जदों पानिया का रुख मोड़न की किसी व्यक्ति ने गल की है, उदों पानी आपदा वहा लेंदे होए वो सारे जड़े बंदोबस्त वो तोड़ के अगे लंघ जाता। अज ऐसा समय, और मैं उम्मीद करता है कि यह पवित्र दिहाड़ा जिहड़ा अज दा, इस सानू शक्ति प्रदान करेगा, सानू एकता बख्शेगा। हो सकता है साढ़े आपके निजी मतभेद हो सकता है, साढ़े ख्याल एक दूजे नाल कई बारी घट मिलते हो, पर समुची कांग्रेस जिवें हरीश चौधरी जी ने कहा है, समुची कांग्रेस। अज असी चट्टान दे वांग सरदार चरणजीत सिंह चन्नी साढ़े साबका मुख्यमंत्री दे नाल खड़े हैं। असी यह फैसला किया सी असी थोड़े नाल चलांगे, असी यह फैसला किया सी असी बाबा साहब अंबेडकर दे बुत के थले अज बैठांगे सारा दिन। पर चन्नी साहब का हुक्म, उन्होंने कहा मैं कल्ला जावांगा, मैं कल्ला सामना करांगा, बेशक मेरे ते परचा दे सकते हैं, मैनू अंदर दे सकते हैं, मैनू जलील कर सकते हैं, मैनू मार सकते हैं, लेकिन मैं कमजोर नहीं हाँ। मैं बाबा साहब अंबेडकर का पुत है, और मैं आपके चिट्टे कपड़िया ते दाग नहीं लगन देंगा। और मैं पंजाब के लोगों को कहना चाहना, तुसीं जाना देखते हो सनसनी फैलाई जाती है साड़ी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। क्यों? क्योंकि कांग्रेस तो डर है मुख्यमंत्री नूं कि एक ही पार्टी है जिहड़ी आने वाले समय च मैनू ढा ला सकती है। इहदे सारे लीडर साहबानां नूं मैं गंदा कर दिया, एक एक नूं लबोड़ लबेड़ के बाहर कढ़ दिया तां जो भज्जे फिरन। सो मैं बेनती करना चाहुंदा है कि जिन्ना चिकर कानून फैसला नहीं कर लैंदा किसी के लगे हुए इल्जाम से, तुसी किसी बंदे नू गुनाहगार ना समझ बैठे हो। ये अंतिम फैसला कानून ने करना है, हो सकता है ये जो अंतिम फैसला होए इस सरकार के मुंह से चपेड़ कानून लाए कि आओ चन्नी का समान। हुण तां तुसी 800 पेज का 900 पेज का बिस्तरा बन के किसी व्यक्ति का भी तोड़ सकते हो। सो असी सारी की सारी कांग्रेस डट के असी सरदार चन्नी साहब के नाल खड़े हाँ, और खड़े रहांगे। हुण मैं बेनती करांगा साढ़े बहुत ही सत्कारयोग लीडर CLP लीडर, वो थानू अपना पक्ष पेश करेंगे। सरदार प्रताप सिंह बाजवा। धन्यवाद राजा जी। ये तुसी चोटा देखो किस तरह मारते है। मेरी भरजाई, सकी भरजाई मेरी, मेरे भरा की घरवाली डॉक्टर लगी हुई सी, उन्हें टिकने नहीं दिता, आखिर सानू रिजाइन कराना पे, फाइनैशियल भी मार रहे। चलो किसी दिन फिर सारिया दसूंगा मेरे नाल करदे किस तरह है। हलो सर, सारे नो पहला नहीं नहीं मैं भी तगड़ा है यार,
मैं कहना करो जो करना है। सारे नो पहला आज दे इस मुबारक मौके ते जिदन खालसे का जन्मदिन है, डॉक्टर अंबेडकर साहब का अपना जन्मदिन है, मैं समूह पंजाबियों समूह हिंदुस्तानियों दिली मुबारकबाद पेश करना चाहना। अज का दिन चन्नी जी वेखो दसवीं पातशाही ने 1699 दे विच आनंदपुर साहब दे विच मंग कीती सी अपने लोगों को कि मैनू पंज सिर चाहिए ने कि किहड़े सामने आ के सिर देणगे। तुसीं वेखो कदों दी गल, कई सौ साल पहले दी गल, कि जिहड़े पंज आदमी नित्तर के आए उन्हां दे विच इक लाहौर दा सी, एक उन्हां विचों यूपी दा मेरठ दा सी, तीसरा द्वारका गुजरात दा सी, चौथा बिदर दे विच कर्नाटका दा सी, पंजवां जगन्नाथ पुरी उड़ीसा तों सी। जिहड़ा इह धर्म बनाया सिखिज़म, इह धर्म कास्टलिस्ट सोसाइटी वास्ते सी कि जिहड़ा हज़ारां सालां दा इस देश दे विच जात पात दा काम सी उहनू खत्म करन वास्ते, बराबरी देण वास्ते। ते दूसरी गल जिहड़ी सारिआं नूं वड्डी सी कि जिहड़ी जुल्म है उहदा टाकरा करन वास्ते किहो जिही कौम बनाई, जिथे भी जुल्म होएगा उहदा टाकरा करन वास्ते इह कौम बनाई गई। तुसीं वेखो इक पासे असी द्वारका तों अरेबियन सी तों शुरू होकर दूजे पासे उड़ीसा दे तत जिहड़े ने बे ऑफ बंगाल तक लगदे, एक पासे गंजेटिक बेसन जिहड़ा साडा गंगा दा बेसन लाहौर तों शुरू होकर दूसरे पासे दक्कन तक कर्नाटका तक, उहनां दी सोच वेखो कदों दी की सी। इह सोच किसे एक कौम वास्ते नहीं सी, सारे देश वास्ते सी। तो मैं समझना जे असी गंभीरता नाल विचारीए ते देश नूं इक करन दी, सारियां कौमां नूं इक करन दी इह जिहड़ी सोच है सी, इह दसवीं पातशाही दी सी। भावें देश कई साल बाद आज़ाद होया बट उहनां दी महान वो विजनरी सोच जिहड़ी सी उहदे कारण अज असी इक हां। चन्नी जी सानू भी सारे बहुत भारी गलतफहमी है जिहड़ी अज तुसी दूर कीती। जिस तरह हरीश चौधरी जी ने कहा समुची कांग्रेस समुचा कांग्रेस का हर वर्ग भावें पिंड च भावें किसी कूचे च बैठा है भावें किसी कस्बे च बैठा है अज इस घड़ी दे विच तुहाडे नाल है। तुसी गल ये भगवंत मान दी कीती, मैनू जो लगदा इन्ने जोगा है नहीं सी जिड्डा वड्डा इहनू रुतबा मिल गया, भांडा छोटा सी पाणी बहुत वड्डा पै गया। अज मैनू यह नज़र आंदा कि इहदे विच औरंगजेब की रूह आ गई, भगवंत मान दे विच औरंगजेब की रूह। असी एक पासे खालसे की गल करने आ, साड़ी बदकिस्मती वेखो पंजाब दी, गुरुआं पीरां पैगंबरां सूरबीरां दी धरती, वो अज मुख्यमंत्री असी बदलाव दे विच किनू बनाया। अज गल करने आ गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सारे दीआं जातां बंद कर दित्तियां कि जिहड़ा मेरा सिंह है वह कला सिंह लिखेगा, जात नहीं लिखेगा, सो दैट किसे दी कास्ट ना पता लग सके। ये वो बंदा जिहड़ा सिंह भी नहीं लिखता अपने नाम च, किस किस्म का व्यक्ति असी अज मुख्यमंत्री बनाया, उहदी ऑफिशियल डेजिग्नेशन भगवंत मान है, देर इज नो सिंह। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने दात दित्ती दस्तार दी, वह पहला मुख्यमंत्री जिहदी दस्तार दे थले केस ही है नहीं, ना उहदे केस ने, ना नाम विच उहदे सिंह है, ना किसे धर्म च फेत रखदा, नास्तिक आदमी। कई लोगों ने किसे सोच नाल इहनू दस्या आ होएगा, यह बिल्कुल किसे सोचदा नहीं, यह ना पंजाब दा ना पंजाबियों दा ना अपने आका दा, यह भी गल मेरी सुन लिओ,
मैं कई बार पहले गल कही है कि आते टाइम दे जेड़ा एक नाथ छिंदे बनना ये बनना क्योंकि यहोजे ही लभ सकते एक नाथ छिंदे जेड़ा अपनी कौम का नहीं जिन्हें वड्डे तो वड्डिया स्टेजा के उत्ते अपने आका ते हुंदिया अपने परिवारक मैंबरां दी सिर दी कसम खा के उस कसम तो भज्या होए कि असी उन्हू इंसान कहने उन्हू कि असी आदमी समझने साड़ी कौम दे विच ते एहो जे लोकां दी कोई जगह ही है नहीं। विजिलेंस जिहड़ी है बुलाए तुसी वेखो सिस्टम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मेरा ख्याल जिदन की सरकार गई पहली बार चन्नी साहब साल तो बाद कोई 12 महीने 13 महीनों तो बाद अपनी गल रखी जथेदार जी बारे अकाल तख्त साहब बारे जिक्र किया कि किस तरह भगवंत मान तुसी गल कर दो अकाल तख्त के जथेदार चैलेंज करता इन्हें करना ही है नास्तक ये किसी धर्म च विश्वास ही नहीं रखता ना ये सिंह है ना ये केस ना ये केस ने ना ये दस्तार थले पता नहीं है कि तुम कहते हो कि अकाल तख्त साहब के जथेदार चैलेंज करता इन्हें अपने आका भी चैलेंज करना है तो तुम केजरीवाल वेखो की करेगा थोड़ा चिर खलोवो कोई यदि सोच नहीं ना कांग्रसिया ना कांग्रेस के किसी सोच वाले जेल डरा सकियां देश की आजादी के चन्नी जी तुहाडा उस पार्टी नाल तुलक है जिन्हें 136 साल पहले जदा जन्म होया जिस पार्टी ने इस महान देश नू आजादी दे विच नुमाया रोल अदा किया वड्डी फरिश्त जिहड़ी है देश की कुरबानी वास्ते अज पंजाबियों की भावें काले पानी की गल कर लीए भावें जल्हां वाले बाग की सारे इंपोर्टेंट अज का दिन जिथे असी खालसा जन्म दिहाड़ा जिथे डॉक्टर अंबेदकर साहब का जन्मदिन है उत्थे असी विसाखी वाले दिन जल्हां वाले बाग के उत्ते जिस तरह जनरल डावर ने अमन ते शांति च बैठे हुए पंजाबियों ते गोलियां वरसा के कई सौ की तादाद में शहीद कर दिते सी असी उन्हां नूं भी अज नमन करना बड़ा दिन है तुसी हर चीज़ अपनी सामने रखी है गुरु महाराज साहब ते तुसी अपार विश्वास रखने वाले दृढ़ता ना लड़ो गल ही कोई नहीं जेलां साढ़े वास ही बनिया बट मैं इन्हां नूं भी ये जरूर दस देवां कि दिन बदलते ने बड़ी रफ्तार नाल टाइम बदलता भगवंत मान जी अपनी भी तैयारी रखियो किसी गलत फहमी का शिकार ना रह जी कितें साहब सुखबीर सिंह बादल भी कहिंदे सी 25 साल नहीं मैं जाना ते 10 साल हो चुके ने बाहर ते अजे 15 कितें आन का मौका नहीं ते तेनू भी गलत फहमी बहुत भारी है ते तेरी गलत फहमी ते पहले तीजे महीने संगरूर वालियां दूर कर दी जद्दी हल्के चो 370,000 वोट तो तुसी जिते सी लीड निकल के 10,000 ते तू हारे 51,000 वोट ते कांग्रेस 2022 दे विच जलंधर पार्लीमेंट पोल दे विच आप तो अगे सी 5 साढ़े MLA 4 इन्हां दे गुरु महाराज साहब की कृपा रही ते जिहड़ी रहनी है जिहड़ा एंटी दलित चेहरा जिहड़ा गरीबां नाल करदे हे वितकरां ने भावें छोटे किसान ना होए भावें खेत मजदूर ना होए भावें साडी सरकारी मुलाजमां ना होए भावें साडे बेरोजगार नौजवानां ना होए मैनू पूर्ण विश्वास है साडी पैण इत्थे बैठी हुई सुरगवासी चौधरी संतोख सिंह उन्हां दे घरों जिन्हों पार्टी ने नुमाइंदगी दित्ती है ब्रह्म जी पेशगोईयां मेरियां पहले भी ठीक हुई हैं 151,000 तो तुहानू जमा जो हालात बन रहे ने 151 ते चन्नी जी तुहानू ते कह कुछ नहीं सकना महीना एक रह गया जून दे महीने विच एक नाथ छिंदे वेखो जांदा किधर नू इहदियां बाजियां लगनियां ना किसे दी सुनवाई करनी है तुसीं ते इत्थे ही रहना असीं तुहाडे नाल आ सो इन्ना ही कहिंदा होया मैं समुचे पंजाब नू ते कांग्रेसमैन नू
इस गल का विश्वास दवाना जिन्ना मर्जी है जबर कर लैन जिन्ना मर्जी है जुल्म कर लैन अखीर सच्चाई की जित होंगी तुसी तगड़े होके अपनी तरीक भुगतो असी अपना काम करने हैं दुध का दुध तो पानी का पानी आते दिनों में हो जाना है जो इन्ना ही कहता हुआ मैं सारे का बहुत बहुत मशहूर हूँ। सवाल लैन तो पहला मेरी बेनती है कि एक मिनट राजवीर जी एक सवाल लैन तो पहला बीबी करमजीत कौर जी साढ़े जलंधर के उम्मीदवार भी आए हैं जान का टाइम हो गया एक दो मिनट को बस छेती नबेड़ लो इन्हां नूं सब तो पहला काम है आज दे शुभ दिहाड़े के साढ़े महाराज साढ़े खालसा दिवस खालसा स्थापना और साढ़े महान बाबा साहब अंबेडकर की जयंती से सबनों बधाई देनी है। बड़े विस्तार नाल मंच से साढ़े सब तो सीनियर साढ़े कांग्रेस के नेता लीडर्स एलओपी साहब फॉर्मर साढ़े चीफ मिनिस्टर साहब साढ़े प्रधान जी साढ़े प्रदेश के प्रभारी जी और समुची कांग्रेस जो सवेर तो इत्थे चली है आन पहुँचण दे लई जो अज होया उहदे बारे और जो घटना ने सानू इत्थे इकट्ठा कर कीता है उहदे बारे उन्होंने बहुत विस्तार नाल दस्या। और जे मैं ये कहाँ कि विस्तार नाल दसण दी शायद जरूरत भी नहीं सी क्योंकि आ पक्ष भी इस सारी सच्चाई नूं जानदा है और ये पक्ष तां उहदा उहदी वकालत करदा है क्योंकि ये पक्ष कांग्रेस इंडियन नैशनल कांग्रेस का पक्ष है जिहदी विचारधारा ही सब नूं सांझे रखण दी है। जिथे समुची कांग्रेस साढ़े इस एक दलित मुख्यमंत्री जिहदे नाल जातियां दी परमार हो रही है जिसने इन्हें शुभ दिहाड़े ते भी सानू इत्थे मजबूर कीता इकट्ठे होण दा असी इक्को संदेश देना चाहुंदे हैं कि दबाव दी राजनीति कदे सफल नहीं हुंदी। और मेरी हथ जोड़ के सरकार नू भी बेनती है कि सेंसिस प्रिवेल करनियां चाहीदियां हन क्योंकि मनुखता सारी बराबर है। अज दा दिवस चुनना भारी गलती कि जिथे सिख जगत इस नूं मनांदा है उत्थे सारा दलित भाईचारा कल्ला दलित भाईचारा नहीं समुची दुनिया बाबा साहब और महाराज जी का दिन मना रही है। और उस दिन इस तरह तुसी एक दलित भाईचारे नाल संबंधित शख्स जिन्हें कुछ समय लई दे अपने पंजाब की वागडोर संभाली उसनू इन्ना बलूंदर देना उन्हूं इन्ना तंग कर देना उहदा इक्को ही मंतव नज़र आता है कि वह खुद डगमगाए ने। मैं सिर्फ अपने वीर नूं यही कहना चाहवांगी कि जिथे असी सारे तुहाडे नाल खड़े हाँ मैं अपने मरहूम पति दे जाण तो बाद उन्हां दा मैंटल उन्हां दी जगह लैके उन्हां दे आदर्श और कांग्रेस की विचारधारा नूं लैके इस सियासी पिड़ च कुदी हाँ और मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हाँ। उत्थे असी ये लड़ाई भी नाल लड़ांगे कि असी सारे एक हाँ और तुहाडे इस ज़्यादती दे पिछे समुची कांग्रेस भी खड़ी है और पूरा दलित भाईचारे का जो तुसी दिल वरूंद रहा ये भी वो देख रहे हैं कि वो इस चीज़ का भी बड़ा सख्त नोटिस साड़ी कौम भी देख रही है कि किस तरह उन्होंने चुन चुन के पिक एंड चूज करके उन्होंने तंग किया जा रहा है। सो मैं एक बार फिर तुहानू आश्वासन दिनी है चन्नी साहब तुसी वीर हो तुसी कांग्रेस के लीडर हो कि समुची कांग्रेस तुहाडे पिछे खड़ी है और इन शब्दों के नाल मैं तुहाडे तो भी धन्यवाद कह के बधाई दूँ। धन्यवाद जी। सभा हो गया चन्नी साहब ने पेशी ते जाना सी थोड़ा लेट हो गए इस करके थोड़ा धन्यवाद। केवल दो या तीन सवाल तुसी कर सकते हो क्यों अकायदा तौर चिट्ठी अपने वकीलों को तैयार कर रहे हैं
एंड वी विल राइट इट फ्रॉम द पार्टी कि दिस इज नॉट कोई भी इस किस्म का काम जेड़ा है इट कैन नॉट बी अ फेयर एंड अ फ्री इलेक्शन इलेक्शन तो होती है फ्री एंड फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो ये असी चिट्ठी इलेक्शन कमीशन को आज भेज जी जी इन्होंने कहा कि विधानसभा के जी विजिलेंस के दफ्तर से आम आदमी पार्टी का झंडा है वो अच्छा साबित करता उन्होंने चलिए सर एक लास्ट लास्ट आपको बात करना सर लगातार कह रहे कि लगातार पंजाब में जाते हैं उनका मतलब तेरह महीने जांच वाले लगातार विधानसभा के भीतर आ रहे हैं देखो तुसी आप ही कह रहे हो कि 70 ਸਾਲਾਂ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਲਾ ਚੰਨੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ 111 ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਹ ਮਾਰਕੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਐ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕਿਆ ਇੱਕ 3 ਵੀਲਰ ਖੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਭੁਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਰੀਆਂ ਉਹ ਰੜਕਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਡੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਰੜਕਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਫਗਵਾੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਭਵਨ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹ ਇਸ ਚ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਚਲਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਟੈਚੂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ CLP ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ
बहुत बहुत बधाई होवे। अज मैनू विजिलेंस वालों बुलाया गया, पहला मैनू नोटिस आया, मैं उन्होंने कहा कि जी 12 तरीक का नोटिस आया सी, मैं क्या मैं 12 नू नहीं आ सकता, बाहर है। उन्होंने मैं 20 तरीक नू बुला लिया, लेकिन कल मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कह गुरु साहब का एक वाक है कि जे को बोले सच कूड़ा जल जावे। कूड़ा होंदा झूठा, इहदा मतलब झूठा है कि जदों कोई सच बोलता है तो सच्चे बंदे की गल सुन के झूठे नू अग लगती है। वो अग कल सरकार नू लगी है, तो मैं 20 तरीक नू बुलाना सी, अज के दिन बुला लिया। जब दफ्तर सारे नू छुट्टी है, तुसीं देखोगे चन्नी वास्ते अज स्पेशल पंजाब सरकार के दफ्तर खुल रहे हैं, चन्नी नू हैरान करने वास्ते, टॉर्चर करने वास्ते। और दिन जुड़िया विसाखी का, तो अंबेदकर साहब का विसाखी वो दिन है जदों गुरु साहब ने जबर और जुल्म के खिलाफ उस समय दिया जालम सरकारां दे खिलाफ अपना खंडे वाटे का अमृत छका के सिख कौम नू शक्ति दित्ती, तैयार किया जबर और जुल्म और सरकारां दे खिलाफ लड़न वास्ते। सो चंगा हो गया भगवंत मान जी तुसी अज दा दिन चुनिया। अज मैनू भी अपने गुरु तो, अपने चमकौर साहब के बड़े साहबजादियां तो, सरहंद साहब सरहंद के दीवार विच चिने गए छोटे साहबजादियां तो अज शक्ति मिल रही है थोड़े जुल्म के खिलाफ लड़न वास्ते, जिहड़ा तुसी मेरे ते जुल्म ढाउण रहे हो एक साल तो, ते आने वाले दिनों विच ढाउण जा रहे हो। और मैं पहले दिन तो कहा सी कि मैं इसनों अपने पिंडे ते सहांगा। मैं धन्यवादी हाँ फिर भी कांग्रेस पार्टी का जिन्होंने अज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरी नाल आके बैठे है। मैं कल्ला जावांगा उत्थे, तुसी मैनू बिठाओ, फड़ो, कुट्टो, मारो, जेल च भेजो, थोड़े ते करो जो करना है। ये अज मैनू फड़ भी सकते हैं, बिठा तो सक बिठाना तो है ही है, अंदर भी भेज सकते हैं, तो एक ना एक दिन मार भी सकते हैं, जान तो भी मार सकते हैं, लेकिन मैं उहदे वास्ते हर पासे नू तैयार है। क्योंकि अज गुरु का दिन है जिसने सानू शक्ति दित्ती है, अज उस रहबर का भी दिन है अंबेदकर साहब का जिन्हें कहा पढ़ो जुड़ो और संघर्ष करो। मैं अपने बचपन तो संघर्ष करता आ रहा है। जिस दिन मेरी आजाद चोन लड़िया सी, मैं एक दिन पहला रैली हुई सी, आ चमकौर साहब का बंदा बैठा है, रैली विच बोलिया सी मैं आजाद खड़ा होया कि मैनू कोई रजवाड़ा और अमीर वोट ना पावे, मैं गरीब लोगों का नुमाइंदा, ये रैली विच कहा सी और आजाद जित गया सी। मेरे खून नू चेंज नहीं कर सकते लोग कि मैं गरीब लोगों के खिलाफ दे आवाज़ बुलंद ना करा, तो सिखी की आवाज़ बुलंद ना करा। कल तकलीफ क्या लगी हुई है, गल उही हुई है जो गुरु साहब ने कहा है कि जे को बोले सच कूड़ा जल जा बई। गल यही हुई है कि कल जदों मैं अपने सिरमौर संस्था अकाल तख्त साहब उसके जथेदार साहब की जो इन्होंने उन्हां दे खिलाफ बोले हैं, जो मुख्यमंत्री ने उन्हां दी अपने आप बेइज्जती करन दी कोशिश की है, उसके जब मैं खिलाफ बोलिया तां तिल मिलाए है। मैं जाना है, लेकिन मैं अज फिर कहना कि कल मैं 10-12 सवाल खड़े किए हैं, उन्हां दा सवालों का जवाब भी दो। मैनू तां तुसीं 20 तरीक नूं बुलाना सी, 14 नूं बुला लिया कि साडी बीबी जी जिन्हां दे पति चले गए है उन्हां दी कंपेन ना मैं कर सकां, लेकिन
ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਮੰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕੱਲ੍ਹ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤਿਲ ਬੁਲਾਏ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ। ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਾ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਅੱਜ ਹਿਸਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਗਾਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਾ 144 ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਐਡਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਟੀਵੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ 144 ਲਵਾਤੀ, ਨਾ ਜਾਓ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਨਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ NSA ਲਗਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 307 ਬਣਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜੋ ਬਕੂਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ 5 ਇਸ਼ੂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੱਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂ। ਐਸੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, 1700 ਰੁਪਈਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੀ 117 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ 17,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹਦੇ ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਅੱਜ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੇ 17,000 ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ 1700 ਰੁਪਈਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, 18,500 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਦੇ ਹੈ, ਚਗਾਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ 12,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਕਰਦਾ, ਤੂੰ 18,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਜੇ ਵਧਾਉਣਾ 18,700 ਤੋਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੂੰ? ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਫੜ ਲਾ, ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਰੀਫਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾ ਕੇ, 100 ਜਾਂ 150 ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
तो आज जो नींह पत्थरे है उस तो बाद अज तक कुछ नहीं किया। बई थोनू क्या हक है पिछे अंबेडकर साहब की फोटो लाने का? अज के दिन मैं पूछना चाहना क्या हक है थोनू अंबेडकर की गल कर? जे तुसी उदा जिहड़ा म्यूजियम है एक साल के शुरू नहीं किया, थोड़ा दलित विरोधी चेहरा सामने आया है। अगली गल गुरु भगवान वाल्मीकि जी की, ऐसी उन्होंने दी सिक्ख्यावां ते उन्हां दे जीवन ते अमृतसर दे विच भगवान वाल्मीकि तीर्थ की जगह ते एक पनोरमा बनाना पास किया, ठेके नूं पैसे देते, ठेकेदार नियुक्त करता, काम शुरू हो गया। उस दिन लोकता जिधर सरकार आई, ये भगवान वाल्मीकि दे विरोधी हो गए। क्या बैर है इन्हों का भगवान वाल्मीकि जी दे नाल? क्या बैर है इन्हों का गुरु रविदास जी दे नाल? मैनूं दस्सदा दवे भगवंत मान और केजरीवाल। तुसीं देखो मैं 25 करोड़ रुपया दे के आया डेरा बल्ला दे विच गुरु रविदास अध्ययन सेंटर बनाने वास्ते, वो 25 करोड़ रुपया जिस दिन इन्हों की सरकार आ गई ब्याज समेत बैंक चो वापस मंगा लिया। अज एक साल हो गया जब चौधरी साहब की डैथ हुई, इलैक्शन शुरू होया, उही 25 करोड़ रुपये का चैक दोबारे लेके पहुँच गए। चैक भी नहीं ले गए, एक फट्टा जहा ले गए, लेकिन ड्रामा करके आ गए। अज भी वह इन्होंने बाबा जी दे जिहड़ा ट्रस्ट बनाया ऐसी उत्थे उहदे विच जमा नहीं कराया। क्या बहर है तेरा भी उन्हां दे नाल? ऐसी डेरे नूं पैसे नहीं दिते, अध्ययन सेंटर नूं पैसे दिते है, उन्हां दा ट्रस्ट बनाया जिस तरह जंगे आजादी का ट्रस्ट बनया। ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਆ ਹੀਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ 30% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਫਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਬੁੜੀ ਮਰੀ ਕੁੜੀ ਜੰਮੀ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੀ ਦਾ ਉੱਥੀ, ਕੁਟੁੰਬ ਉੱਥੀ ਦਾ ਉੱਥੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਲਕੀਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ, ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿਉ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਕਿ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਉਲਟਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀ ਜਾ ਕੇ ਉਜਾੜਤੀ, ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਆ ਤਾਂ 2 ਨੂੰ ਛੜੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, 2 ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਲਚਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਨਵਾਂ ਕਲਚਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰੇ ਵਿਗਾੜਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਵੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਆ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇਰੀ ਕਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਰਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਓਲੀਗਾਰਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੋਬੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 75 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 900 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ,
यार मैं तो 3 महीने ही मुख्यमंत्री रह लिया, क्या गुनाह करता मैं? 3 महीने बच्चे सब कुछ लुट लेगा चरणजीत चन्नी, 3 साल बच्चे ठीक रहा तू, पिछले 70 साल सब कुछ ठीक रहा, 3 महीने गरीब का मुंडा मुख्यमंत्री क्या बन गया? ढिड दुखी जाता है, नींद नहीं आती केजरीवाल नू के मुख्यमंत्री रह किस तरह गया, अगे नू किस तरह घूमता पंजाब दे विच, अंदर ठोक के बिठाना है, स्नेह आउंदे मैनू। मेरा एक, मैं नाम नहीं लेना, एक मेरा खास बंदा है उन्हूं बुला लिया, मेरा रिश्तेदार है कि तू आम आदमी ज्वाइन कर लै, असीं चन्नी नू अंदर नहीं देवांगे, नहीं तो असीं देना ही देना है। ये हालात है पंजाब दे, सिर बदला लेने वास्ते कि गरीब क्यों उठ के बाहर आ गया। मैं तो राहुल गांधी जी ने कहा, मैं क्या यार किड़े कलेसा च पाता मैनू, मुख्यमंत्री बना के मेरी तक जिधर का मैं मुख्यमंत्री से हटिया कटाई हो ही जाती है, कदे वो नोटिस भेज देंगे, कदे वो नोटिस भेज देंगे, कट्ठे होकर कुटते हैं। यार तुसी पंजाब का बंदा, मेरे नाल पंजाब स्टाइल खेल लो जो खेलनी है, तुसी नैशनल स्टाइल का तो खेलते हो कबड्डी, नैशनल स्टाइल के सारे एक जने फड़ते हैं, वो खेलते मेरे न। इनकम टैक्स के 3रे दिन नोटिस आ जाता मैनू, एक हफ्ता होया 3 नोटिस कट्ठे आए हैं, पहला 10 बार आ ले, और मेरे पास है कुछ नहीं, वो भी दस दिना मैं थोनू मेरे पास है क्या। 1986 दे विच पंजाब केंद्र सरकार की कांग्रेस सरकार सी, मैनू रिजर्वेशन के तहत पेट्रोल पंप मिलिया, ऐसी लोगों के पैसे फड़ फुड़ के पेट्रोल पंप लगा लिया, बैंक ने लिमिट देती। 2002 दे विच मैं पेट्रोल पंप वाली जगह बेच के फैट प्रॉपर्टी का कम कर लिया, 5-7 साल दे विच बूम आया, उन्होंने दिनों थानू भी पता है बहुत आया, मैं 10 किले जमीन बना ली, 8-10 किले खरड़ दे विच, होर शोरूम वगैरह खरीद ले प्रॉपर्टी का कम करके। बदकिस्मती दे नाल 2007 दे विच इलेक्शन लड़ लिया, भूत सुवारता भी लोगों की सेवा करनी है, सत श्रीकाल की कीमत है, सत श्रीकाल प्रधान जी, सत श्रीकाल सर, भी सत श्रीकाल के चक्कर आज भी लग गए इस पास, जिन्हें आए बैठे आले दुआले मेरे, ये सारे सत श्रीकाल का भूसे है, ये सत श्रीकाल ही मारे हुए सारे, MLA साहब सत श्रीकाल जी, प्रधान जी आए, ऐसे वे घूमी जाते, मैं भी ऐसे घूमता रहा, घर फूक के तमाशा देखिया मैं, जेड़ी मेरी 8-10 किले जमीन सी हरेक इलेक्शन बेची, अज मेरे पास एक सियाड़ भी नहीं है, लै भगवंत मान आ बैठा चरणजीत चन्नी, पूरे हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड के मेरी एक सियाड़ भी जमीन दिखा दे, मैं 10 किले जमीन बेच के लोगों के लाई है, एक किला भी लिया दे, एक सियाड़ कहते एक जो हाली पाँदा है, वह 19 भी दिखा दे, एक बिस्वा दिखा दे मैनू मेरी पूरे पंजाब दे विच, तुसी भगवंत मान जी कहा कि चन्नी रजवाड़ा है, इहदे पास 170 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लै मैनू किसे प्रॉपर्टी खड़ा करके चरणजीत तेरी है, सिर मेरे घर छड़ के, मेरे दफ्तर, मेरा दफ्तर छड़ के जिहड़ा लोगों वास्ते है, एक मेरी दुकान है वो छड़ दे, उससे बिना किते मैनू खड़ा कर दे कि चरणजीत आ तेरी प्रॉपर्टी है, मैं उस जदे सरकार दे नाम लिखता या गुरुद्वारे दे, मैं उन्हों नहीं था कहा कि मेरे नाल प्रॉपर्टी बदल लै, मैनू तो पता सी मेरे को कुछ है ही नहीं, और अज भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैनू इन्होंने उत्ते रगड़ना भी है। देखो सरकार परचा करन पर आए तो कर ही दिंदी है, और धर्म सोच का बेचारे पर तीसरा परचा करता एक सिर्फ एक प्लाट का, साढ़े होर पर भी इन्होंने कर रहे हैं, लेकिन मैं लोगों की कचहरी अपने आप को सच्चा दसना चाहता कि मेरी हालत क्या है, परमात्मा को जान देनी है, अज भी घर अखंड पाठ रख्या होया है, हर साल 4-5 अखंड पाठ करा,
कदे किसी ने पैसा नहीं लिया। कोई मैं कह दे चरणजीत चन्नी तैं किसी की बदली करने दे पैसे ले सी, मैं फांसी टंग दो। मेरे इलाके च कह दे कोई चन्नी तैं फलानी जगह इलेक्शन लड़िया सी, ऐसी चाह ऐसी पिलाई सी। मैं जब इलेक्शन लड़ना है घरते भेजदा चाह, जेड़े पिंड जाना होंगे घरते भेजदा पकौड़े, ते अपनी जमीन बेच के इलेक्शन लड़ना, अपनी जायदाद बेच के लड़े है। अज मेरे पास एक सियाड़ भी नहीं है, अज मेरे पास कोई कारखाने कोई कुछ नहीं है। एक मेरे मुंडे का कारोबार है, वो भी एक रद्दी जा छोटा जा शेलर है जेड़ा असी अपने इलाके दे विच खरीदे है। ये लोग मेरे ते वो करते हैं कि मैं करप्ट है, एक भी पैसा दिखाओ कदे लिया होवे किसी ते। रेते दे मेरे ते लगाए जाते हैं यार, रेता तो तुसी रात नूं रोज़ भेजते हो, तुसी मैनू कही जाते हो। पहला मैनू पिछली सरकार मेरी और सरकार कसाई की पांच साल कि कितने ये अगे ना निकल जाए दलितों ने। मैं एक दिन अपने मुख्यमंत्री नूं कहा, मैं कहा मेरे खून विच है गरीबों बारे बोलना, ये तुसी हटा नहीं सकते। अरे भी नहीं हटा सकता, लाल बजे ना जोर लाना अंबेडकर का अज जन्मदिन है, मैं सहु खा के कहना ना। मैं सिक्खी बारे बोलने से हटा, बेअदबी बारे अज मैं गुरु की सहु खा के कहना। कर ला यार जो कुछ करना है, दे अंदर जिते देना है, मार कुट गोली मरवा हूँ तू मैनू, आ क्या कर लेगा भाई जी। मैं हाथ जोड़ के थोनों गल दसा, अपना पेट चके तो ढिड नगा होंगे, मेरा घर कर्जा ही होया हो, मेरे कुरकी के ऑर्डर होए हुए घर के, मान लूंगे तुसी मनूंगा भगवंत मान। हाईकोर्ट तो स्टे लेके आई भी है मैं अपने घर की कुरकी की, मेरा जद्दी घर जिथे मेरा भाई रहता उसे कुरकी दे ऑर्डर है। पर मैं कदे किसी से पैसा नहीं लिया, फिर भी केड़ा मुख्यमंत्री है, केड़ा ऐसा MLA है, केड़ा ऐसा मंत्री जड़ा रहा हो ऑपोजिशन लीडर रहा हो पूरे हिंदुस्तान च, दिखाओ मनू जिदे कुरकी दे ऑर्डर होए पे हो। मैं ये मेरे नाल गल्ला करदा, मैं तो कदे इहदे खिलाफ बोलिया ही नहीं, मैं कदे दूसरिया नूं नहीं कहा। तुसी मैनू कहिंदे हो, मैनू कहिंदे कि जी इहदा मुंडा 3.5 करोड़ रुपए की गड्डी ते घूमदा। इलैक्शन के बाद मेरा मुंडा कहिंदा बापू 3.5 करोड़ वाली गड्डी कित्थे है। मैं कहा यार केड़ी अपने पर गड्डी तेरे सामने है, जिहड़ियां गड्डियां 2 नंबर हुण मेरी गड्डी दा उहदा जिहड़ी 3.5 करोड़ ते मेरी मुंडा घूमदा। एक पत्रकार ते कहा था कि जी 1.5 करोड़ दियां 2 गड्डियां चन्नी दे घर आईयां, वो 1 साल तो बोली जांदा। मैं चुप रहिंदा, मैं कहा यार जद अपने पास है ही नहीं। पर अज तां तुसीं मैनूं नोटिस देता, हुण मैनूं दसो ना मेरियां कहड़ियां 1.5-2 करोड़ दियां गड्डियां मेरे घर खड़ी है, दसो ना मेरी कित्थे है प्रॉपर्टी। मैं विजिलेंस नूं कहना चाहुंदा हां, विजिलेंस वालिआं नूं तां बेचारिआं नूं क्या करना, मुख्यमंत्री नूं कहना चाहुंदा हां कि यार 170 करोड़ रुपये की तो मेरे से प्रॉपर्टी करी है, देना लिस्ट हूँ 170 करोड़ दी पत्रकारों घर प्रेस करा। पर सुन भी जिस तरह पहला बोलता सी कि रजवाड़ा मंदा ये पता 170 करोड़ की प्रॉपर्टी है, करना हूँ पर प्रेस करा बस मेरे बराबर बैठ के कि 170 करोड़ की प्रॉपर्टी है रजवाड़ा है। वो सारे दुनिया के मैं रजवाड़ा पेश करके मैं बदनाम करके सरकार बना ली, झूठ बोल के बिल्कुल झूठ बोल के यार बदनाम करके मैं सरकार बनाई है, मैं करप्ट पेश करके सरकार बनाई है। किते लिया अज तक पैसा, केड़ी प्रॉपर्टी मेरे पास। मेरे लीडर भी समझते होने कि यार चरणजीत चन्नी तो बहुत अमीर बंद है, चख लो मेरे अमीरी। मैं जे करप्ट होंदा तो अपना घर छड़ा लेंदा 5 साल के किड्डी बड़ी गल है। पर ऐसी अज गुरु का दिन है, सौं खा के कहना पहले दिन ही अपने चारे भाइयों की और भैनों की मीटिंग कही थी सी जिस दिन मैं मंत्री बनया। मैं क्या पैसा नहीं लेना आपने, अज मैनू बदनाम करने की कोशिश करके मैनू झूठे केसा के फसा रहे। मैं फिर ही फसना है, इन्होंने मैं अंदर देना